जनपद हापुड़ के पौराणिक तीर्थ स्थल ब्रजघाट पर गंगा किनारे गुरुवार को गंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ के तत्वावधान में आयोजित गंगा यात्रा का शुभारंभ अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी और सेनानायक 44वीं वाहिनी पीएसी और पुलिस अधीक्षक हापुड़ अभिषेक वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। पुलिस के आला अफसरों ने ब्रजघाट गंगा तट का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर एएसपी मुकेश चंद्र मिश्रा, सीओ गणमुक्तेश्वर स्तुति सिंह व अन्य पुलिसकर्मी अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, मुख्यालय के निर्देश पे आज ब्रजघाट जनपद हापुड़ में पीएसी के द्वारा गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे एक स्वच्छता अभियान भी चलाया, जिसमें सभी लोगों को जागरूक किया गया स्वच्छता के बारे में, घाटों की साफ सफाई वगैरह की गई। और उसके बाद मुख्य अतिथि हमारे एडीजी महोदय के द्वारा गंगा यात्रा को फ्लैग ऑफ किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य है कि गंगा को कैसे हम लोग साफ सुथरा रख सकते हैं, कैसे उसमें लोगों को जागरूक कर सकें ताकि गंगा स्वच्छ हो, और साथ ही जो सरकार की एक वर्षीय उपलब्धियाँ हैं उसके लिए भी हम लोगों ने इसका आयोजन किया था। ये पूरे जो गंगा का स्ट्रेच है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण घाट हैं उसमें पीएसी के द्वारा और स्थानीय पुलिस के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने भी 7 नाव लगाई हैं और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस मिला है। लोगों के द्वारा इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया और मुझे उम्मीद है कि जो मैसेज आज हम लोगों ने देने का प्रयास किया, लोग उसे जागरूक होंगे और गंगा को और स्वच्छ रखेंगे। देखिए, इस तथ्य के बारे में मेरी जानकारी नहीं, इसलिए इस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि गंगा को कैसे स्वच्छ रखा जाए, कैसे सुंदर रखा।